अभी महावीर जी ने मेरी तारीफ की। वैसे कला के बारे में अपने बारे में बता दूं कि इस कला के सारे मैं हॉलैंड, जापान, फ्रांस, अमेरिका और यूनान तो नहीं गया, लेकिन जुलाना गोहना भ्रमाणा गोहना में काट के गिर दिया। ये मेरा छोटा सा परिचय है। हमारे जीवन में आजकल टीवी का इनका बड़ा प्रभाव जीवन में देखने को मिलता है। अभी स्टार प्लस पे एक रिपीट हो रहा है एक सीरियल, कौन बनेगा करोड़पति। हमारा एक दोस्त है, बलराम नहीं कहूंगा, हर नाम तो बलराम शर्मा बुरा मान जा। तो बाय चांस वोट शीट पर उनका नंबर लगा तो अमिताभ ने पूछा, हाँ तो हो हरनाम सिंह जी आप कहाँ के रहने वाले? बोला जी सू तो हरियाणा का, पर आजकल इलाहाबाद में हूँ। ओ मैं भी इलाहाबाद का हूँ, चलिए आपसे आसान से सवाल पूछते, आपके पिता का नाम बताइए। एक बार नाम सिंह ना सचिन, इतना आसान सवाल पूछ रहे अमिताभ ने, कोई ना कोई बात है। नोला जी ऑप्शन दो, कंप्यूटर इनको चार साल होते सतवीर सिंह, करमवीर सिंह, करम सिंह चार नाम। हाँ तो राम सिंह जी आप बताइए आपके पिता का नाम। नोला को इनका चेक कर दो, नोला जी मैं अपनी लाइफ लाइन यूज करना चाहता हूँ। हाँ तो कौन सी लाइफ लाइन यूज करना? नोला जी मैं पब्लिक किराया लेना चाहता हूँ। ऑडियंस आपने वोटिंग पैड उठाई अभी, लो जी 25% सारे अंदर। ओ राम सिंह जी आप क्या करेंगे? कोई बात दूसरी लाइफ लाइन 50-50 कंप्यूटर। तो गलत जवाब मिटा दीजिए, धर्म सिंह और करम सिंह है। अब आप क्या करें? नोला जी तीसरी लाइफ लाइन कौन है फ्रेंड? ओ किस से बात करना चाहते? नोला जी मैं अपनी मदर से बात कर रहा हूँ, इनकी माता जी को फोन लगाया जाए। हेलो माता जी मैं अमिताभ बच्चन बोल रहा हूँ, कौन बनेगा करोड़पति से? आपके बेटे इस वक्त मेरे सामने बैठे हैं, आपकी मदद चाहते हैं, आपका स्पेशल होता। बोले माँ बाबू का क्या नाम है? बोले बेटा ऑप्शन बता। बोले धर्म सिंह और करम सिंह। धर्म सिंह करम सिंह को पैदा 64 में 64 का और पोते अपने पड़ोसी को पैदा, लेकिन देर 30 सेकंड। ओ राम सिंह बाप क्या करेंगे? नोबला जी मैं कोरिस्ट लेना चाहता, मैं गेम छोड़ के जाता। ऐसे टीवी का रेडियो का हमारे लाइफ में एक बार रोज तक एक आदमी दिल्ली जा रहा था, बड़ा बड़ा अपना ट्रेन में बैठा, सांपला के पास किसी ने रेडियो खोल दिया, आवाज आई ये दिल्ली सांपले उतर के। चार पांच घंटे बैठक कर खाता नार के मेरा बंदा पूछने वाला, भाई साहब आपको चांदनी चौक का पता है? ना रत्ना चांदनी चौक की बड़ी है, बाड़ा 3 दिन लाल किले नहीं भर है। ऐसे टेक्निकल प्रॉब्लम लाइफ में हो जाती है। तो रोहतक शहर मैं बेसिकली एमडी यूनिवर्सिटी में नौकरी करता हूँ, आजकल डेपुटेशन में हेड गवर्नमेंट में हूँ। बड़ा बढ़िया शहर है, वहाँ 10-15 कॉलेज है, आकाशवाणी है, मेडिकल कॉलेज है और एक बड़ी अच्छी जेल है प्रेमनगर में। तो अभी पीछे रामलीला के दिन थे, कैदी करने लगे रामलीला करनी है, जेलर ने उनको गदा तलवार पूछ लिया दे दी। 3-4 दिन बाद में गए मजर साहब, देखा माथा पकड़े बैठे थे। मजर साहब क्या बात है, कैसे माथा पकड़े बैठे? ये कैदी कह रहे थे रामलीला करनी है, मैंने इनको गदा तलवार पूछ लिया दे दी। मैं तो अच्छी बात है जी, धर्म का काम है। मैं बोले क्या खाक धर्म का काम है? 3 दिन हुए थे ना जी बूटी लेने का, धर्म पे नहीं आई। ऐसे भी अवसर कई बार हो जाते हैं। पढ़ाई लिखाई जीवन में बड़ी जरूरी, लेकिन कई बार ज्यादा पढ़ाई लिखाई ऐसा इन्फेक्शन कर जाते, गड़बड़ हो जाते। छोटी सी कविता के माध्यम से बता रहा हूँ कि एक छोरा कति साधा बोला, ससुराल पहुंच के लिए कीड़ा का जोड़ा, अनपढ़ था वे बाहर ना जाना, कि हो सादर सत्कार ना जाने, छड़िया ने खिल्ली उड़ाई, सासू जी ने नाक सिधाई, छाली बोली महाराज जी क्या कति बोली बूझ, सासू बोली तू कर गालो छोरी ने किस तू पूछ, बटे उसको भागा छो मारा पलटा खा गया, जाते अंग्रेजी का एक मास्टर टोया और अंग्रेजी पढ़ने में सांस सवेरा खोया, जाते सासू ने बोला मम्मी जी नमस्ते, अरे इनका बटे उस साहब ने इतने सस्ते साड़ी बजी हो इनका तो जीजा पर टिका रहा है, अंग्रेजी के साथ ऐसे टिका रहा है। नुबला इबा क्या है, किसी ने मैडम और किसी ने मिस्टर कहूंगा, हमने फिर तो जब पटका थरी छोरी ने सिस्टर कहूंगा। ऐसे भी इन्फेक्शन हो जाता है। एक गीत के लिए महावीर जी ने बोला था, लेकिन उससे पहले एक ऐसी कविता जो खास तरह से फरमाइश भी की जाती है, रामलीला का मैंने जिक्र किया, एक पीछे जब रामलीला दिन था मैंने ये कविता लिखी, इसमें हास्य के साथ साथ कुछ चिंतन भी है। अगर मेरी बात आपको कहीं लगे कि मैंने कोई काम की बात की तो तालियों से आपका आशीर्वाद चाहूंगा। गांव का बार होता सा टीला,
गांव के बाहर ऊंचा सा टीला जिसको आया करती आए साल रामलीला, पर इनके साल चाड़ा पाट गया रामबण मजाड़ को नाट गया। इनके साल चाड़ा पाट गया रामबण मजाड़ को नाट गया। दशरथ बोले मैं बन जाऊं हम फापड़ में धक्के ना खाऊं तो न वचन भरे सतु है नबा और तेरी बहु सतु है मना चाहे उसके सूट सिमा चटूंग गड़वा। मैं तो तेरी बात का माऊ को ना और बाबू मैं तो बड़ मजा को ना। दशरथ बोले ना चला जा बेटा ना करे मेरा टोटा दिखे ना बेगन करे और हर रामायण में राम ने बड़ में जाए सर। राम बोले बाबू एक मिनट खर तेरी बात मान भी लू और बड़ में जाने की ठाण भी लू। सीता बाजी आऊ बाढ़ पाई तू कहती चले मैं नणंद के भाई अपनी जान ने फंद में निकाल लूंगी सूर धान की चल लूंगी। तू बोला कितने टवागे पंचवटी ये मूल्यों की बात है मेरा हमारे ऐतिहासिक करेक्टर्स में पूरा विश्वास है मैं पूरा आस्तिक आदमी हूँ लेकिन आज के जो जीवन मूल्य हो गए। राम बोला कितने टवाएंगे पंचवटी लोगों ने पड़ काट लिए सारे और कितने खाओगे फल मीठे धूमा ने चाट लिए। पोल्यूशन लाइफ में बढ़ गया है कितने खाओगे फल मीठे धूमा ने चाट लिए सारे फिर गिले लक्ष्मण सिंह की खाओगा वोट बात का टिकेश की कितने रोटी खाओगा। चलो बाजू उसका हमने कितने गाली भी नहीं झोपड़ी और किसी सुपर खा की देख हमने घूम की खोपड़ी इनको तो तेरा अपना तृष्णा जाके जाके और तेरा सूर्यवंशी खानदान का बट्टा ला गए क्योंकि हमारे मॉरल करेक्टर इतने मजबूत नहीं रह गए हैं। बोला रोड़ा जाके जाकर लट्ठा बाजे बाजे और सुन ले बाबू इनका मैं स्वर्ण मृग के पक्ष ना जाऊं और खाम खाबड़ में धक्के ना खाऊं तू के जानस है लक्ष्मण मेरे का खड़ा कल अखबार में पढ़ी ठीक देर भाभी नहीं उठे कल अखबार में पढ़ी ठीक देर भाभी ले उठा फिर पंचवटी में रावण आओगा बड़का बाबा मेरी बहु उठाओगा ना तो पहले डरे मानस ना रहे वो रावण और छोड़ दे मेरी सीता ने दिखता नहीं कारण क्यों ना तो पहले धर्म रहे ना रहे दीन ईमान और जो टोले आओ फ्री फंड में सीता ने कितने ने बोले हनुमान जो टोले आओ फ्री फंड में सीता ने कितने ने बोले हनुमान। आजकल तो हर कोई मानस ने मतलब की ताकड़ी में बोले है पर आया की तो बात है कि अपना ही मतलब सिर्फ बोले पर आया की तो बात है कि अपना मतलब सिर्फ बोल रहा है। चलो रोड़ा राड़ा करके सीता उल्टी आ भी गई और अग्नि परीक्षा करने की घड़ी मेरे सिर पर छा भी गई या मुसीबत मेरे सिर तक पहुंचा है सर तो लाले सीता जड़े जड़े सर तो लाले सीता जड़े जड़े मान जा बाबू तू बेगन करवाओगा और बहु चलाने का मुकदमा मने भीतर करवाओगा वकील काटेंगे कोर्ट में चक्कर तू खाम खा मारा सिर टक्कर मैं तेरी काली को मन रहे दे भरत ना बुला ले उसमें जान दे। दशरथ बोला ना भरत तू कर जाओगा वो तो जाकर तेरी खड़ाऊ लाओगा। बोला बाबू तू तो घोड़ा से आड़े तो रोड़ा से 14 साल की बात कर रहे हैं 14 दिन में ईमानदारी के छक्के छूट जाए हैं एक दिन मुख्यमंत्री बात चला पांच सरकार टूट जाए तो आगा का भरते प्रवास काटेगा राम का साल बाबू बड़ में जानते नाटेगा बड़ में जानते नाटेगा। और आज क्योंकि एक ऐसे माहौल में गीत संगीत का आयोजन किया गया तो हम कलाकारों का फर्ज बनता है क्या ये इस माहौल को थोड़ा सा रंगत में लाए एक गीत के साथ। एक लड़के की चार भाभी एक छिगनी एक लंबी एक गोरी एक काली एक गीत के माध्यम से आपको बताऊंगा मेरे साथी कलाकार सड़क पार कर दी का ऊपर कह लिकड़ की कार ना पैर Thank you.
चंदा वर्गा वाह उसकी चकोरी की जोड़ी को मजा आई।